दीपिका कक्कड़ हाल ही में प्रीमेच्योर बेबी की माँ बनी है। उन्होंने हाल ही में अपनी प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह बताते हुए अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने 21 जून को अपने बेटे के जन्म के साथ मदरहुड की जर्नी की शुरुआत की है। हालांकि उनकी डिलीवरी प्रीमेच्योर थी और उनके बेबी का जन्म समय से एक महीने पहले हुआ है। हाल ही में दीपिका ने मां बनने के बाद पहला ब्लॉग शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी डिलीवरी वाली रात की पूरी कहानी बताई है, साथ ही प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह का भी खुलासा किया है। दीपिका ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में बच्चे के समय से पहले जन्म की पूरी कहानी बताते हुए कहा, हम शोएब के जन्मदिन के डिनर के बाद लगभग 1:45 पर घर लौट आए थे। मैं जब सोने जा रही थी तब मुझे पीरियड जैसा दर्द महसूस हुआ। मुझे लगा ये नॉर्मल होगा, लेकिन बाद में मैं घबरा गई क्योंकि ये असामान्य था, यानी बिल्कुल रेयर था। ब्लीडिंग देखकर मैं डर गई थी। मैंने शोएब से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। उन्होंने आगे कहा कि फिर शोएब ने डॉक्टर को कॉल किया और पूरी कंडीशन बताई तो डॉक्टर ने कहा कि डिलीवरी हो सकती है। उन्होंने करीब 3 बजे हमें अस्पताल आने की सलाह दी। मुझे रोने का मन हो रहा था, मैं बहुत टेंस थी और कई विचार मेरे मन में आ रहे थे। मुझे ब्लीडिंग हो रही थी तब शोएब ने मुझे शांत रहने को कहा और फिर हम हॉस्पिटल के लिए निकल गए। दीपिका कक्कड़ कहती हैं कि जब वो हॉस्पिटल जा रही थी तब वो डरी हुई थी और लगातार अपने बच्चे से बात कर रही थी। उन्होंने याद करते हुए कहा, मैं कार में बैठी और बच्चे से बात की और उससे मूवमेंट करने के लिए कहा। मैं बहुत डर गई थी और फिर वो थोड़ा सा हिला, फिर मैंने खुद को संभाला और सभी ने मुझसे कहा था कि डिलीवरी के दौरान घबराना नहीं चाहिए, माँ के लिए शांत रहना बहुत जरूरी है जिससे सब आसान हो जाता है। हालांकि दीपिका को रह रहकर तेज दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वो खुद को संभाले हुई थी। उन्होंने बताया, जब तक मैं ओटी पहुंची दर्द 15 मिनट के अंतराल पर हो रहा था। बच्चे का ईसीजी किया गया और हमें पता चला कि वो सामान्य था। उसके बाद मुझे आराम महसूस हुआ। मेरे मन में कई विचार थे लेकिन मैं शांत रही। आपको बता दें, दीपिका की प्रीमेच्योर डिलीवरी थी, ऐसे में वो चाहती थी कि शोएब ऑपरेशन थिएटर में उनके साथ हो। उन्होंने बताया, दर्द को बढ़ता देख डॉक्टर ने डिलीवरी के लिए कहा तो हमें अस्पताल बदलना पड़ा क्योंकि दूसरे अस्पताल में NICU नहीं था। जब मुझे OT में ले जाया गया तो मैं चाहती थी कि शोएब मेरे साथ रहें और डॉक्टर ने इसकी परमिशन दे दी थी। आपको बता दें, इसी व्लॉग में एक्ट्रेस ने अपने बच्चे की हेल्थ अपडेट साझा करते हुए कहा कि वो अभी हॉस्पिटल में ही है और वो उसके लिए वहां रुकी हुई हैं। वो अपने छोटू से 4-5 बार मिलने जाती हैं और अगर वो घर होती हैं तो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उनका घर हॉस्पिटल से काफी दूर है। फिलहाल दीपिका के फैंस को ये इंतजार है, जब दीपिका का न्यू बॉर्न बेबी ठीक होकर घर आ जाएगा तो जाहिर है कि फैंस के बीच वो उनकी तस्वीर भी शेयर करेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो पर, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।